बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समर सेमेस्टर के बारे में पूछ रहे थे, एमएससी एमफिल के स्टूडेंट जो अभी जिनका भी लास्ट वीक में सेमेस्टर एंड हुआ। बीएस वालों को तो मैं गाइड कर चुका था, और जो अभी जो है क्लास है आपकी एमफिल एमएससी, उसके लिए भी सेम रूल है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, और इसके जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपको प्रोसीजर है और इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर है वो दोबारा से बता देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपके जो समर सेमेस्टर आपका सारा 6 से लेकर 11 सितंबर तक ये सारा ऑनलाइन चलेगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि जो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है 1 वीक के लिए ये ऑफ रहेंगे ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। कोविड की सिचुएशन दोबारा इसका जो केसेज हैं वो दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे केसेज इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेती है। तो अभी जो है 1 वीक के लिए इसको ऑनलाइन किया गया है। और दूसरा चीज बच्चे का पूछते हैं कि इसका एग्जाम फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा, तो इसमें अभी तक तो दोनों ही लिखे हुए हैं, फिजिकल और ऑनलाइन। अगर तो ये लॉकडाउन सिर्फ 1 वीक का हुआ तो इसके एग्जाम फिजिकल होंगे, अगर ये लॉकडाउन पड़ गया तो फिर इसके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे। तो ये डिपेंड करता है कोविड सिचुएशन पे, ये किस गवर्नमेंट इसको यूनिवर्सिटी ओपन करने को अलाउ करती है या नहीं करती, ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और कोविड सिचुएशन पे। और अब मैं आप लोगों को गाइड कर दूं एमएससी बीएस एमफिल और पीएचडी सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जो बीएस के बच्चे हैं जो पहले इनरोलमेंट नहीं करवा सकते वो भी अब इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसका प्रोसीजर सेम वही है, आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन डेट 6 से लेकर 10 जो है सितंबर तक आप इसकी एप्लीकेशन लिख के अपने चेयरपर्सन अपने प्रिंसिपल के थ्रू डायरेक्टर एकेडमी से अलाउ करवा लेंगे। जैसे डायरेक्टर एकेडमी का अलाउ कर दें उसको, तो आप फी क्लर्क के पास चले जाएं, फी क्लर्क जो है आपको इसका चालान क्रिएट कर देगा, वो बैंक में सबमिट करें और अपने डिपार्टमेंट में उसको सबमिट कर दें। इसकी जो एग्जाम है इसकी क्लासेस ऑनलाइन फिजिकल दोनों मोड्स में होंगी। मिड इसका 4 अक्टूबर को होगा और फाइनल एग्जामिनेशन जो इसका है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अब इसके कुछ रूल्स मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। अब जो स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल सेमेस्टर का मतलब है एमएससी 4th में थे, बीएस 8th में थे, या अगर जो एलएलबी कर रहे हैं तो 10th सेमेस्टर में थे, अगर उनका सीजीपीए 2.5 से हायर है तो वो कोई भी डी ग्रेड इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट हैं बीएस सेकंड में हैं, एमएससी सेकंड में हैं, दूसरा जो है बीएस 4th में हैं, बीएस 6th में हैं, ये सारे बच्चे जो हैं ये डी ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं चाहे उनका सीजीपीए जितना मर्जी हो, यानी अगर उसका सीजीपीए 3.0 है मगर वो डी ग्रेड है तो उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, मगर जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं वो डी ग्रेड को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। और इन द केस ऑफ एमफिल एंड पीएटी अगर उसका सीजीपीए 2.8 से बिलो है तो वो डी ग्रेड एफ ग्रेड को कर सकते हैं। अगर फाइनल सेमेस्टर में 2.8 से ज्यादा होगा तो फिर वो नहीं कर सकेंगे, सिर्फ 2.8 से बिलो स्टूडेंट जो हैं वो डी ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं। एफ ग्रेड आप जिस मर्जी सेमेस्टर में हो, आप एफ के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप एफ ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड लिया जाता है एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज इनरोल कर सकता है, एक स्टूडेंट टोटल 4 कोर्सेज रिपीट कर सकता है चाहे वो डी ग्रेड हो चाहे वो एफ ग्रेड हो, टोटल मिला के 4 कोर्सेज होने चाहिए। बट सेम अगर फाइनल सेमेस्टर में एमएससी के स्टूडेंट या बीएस के स्टूडेंट तो वो और उनका सीजीपीए 2.5 से अबव है तो वो सिर्फ एफ जो है ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं को पास कर सकते हैं, डी ग्रेड को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसकी जो फीस है वो 5,000 पर कोर्स है, यानी अगर स्टूडेंट 3 कोर्सेज को कर रहा है रिपीट 15,000 हो जाएगी, अगर 2 कोर्सेज तो 10,000 होगी। बाकी अगर आप किसी प्राइवेट या एफिलेटेड कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू आप जो एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टर एकेडमिक को आएंगी, डायरेक्टर एकेडमिक उनको अलाउ करेंगे तो फिर वो आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं जिनमें आपका डी या एफ है अकॉर्डिंगली। अगर फाइनल सेमेस्टर में है तो 2.5 अबव सीजीपी है तो डी ग्रेड अलाउ नहीं होगा। ये सारे रूल्स हैं एग्जाम के बारे में। मैं दोबारा इनको आपको बता दूं कि एग्जाम इसके फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही हो सकते हैं, पॉसिबल हैं।
ये डिपेंड करेगा कोविड सिचुएशन में, अगर कोविड सिचुएशन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो ये एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, अदरवाइज ये फिजिकल ही होंगे। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे जो एग्जाम ऑनलाइन ले लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई ऑनलाइन एग्जाम की, तो अभी हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते। जैसे ही कहा जाएगा कि सिचुएशन ऐसी आप ऑनलाइन एग्जाम ले लें मिड या फाइनल, तो वो मिड या फाइनल एग्जाम हम ऑनलाइन ले लेंगे, वो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, कोई टीचर खुद से ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकता। इसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं कि उस स्टूडेंट कितने कोर्स मैक्सिमम ले सकता है, फीस कितनी है, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर दोबारा एक दफा मैं रिपीट भी कर देता हूँ, आपने एक कोर्स समर सेमेस्टर का एक फॉर्म आता है उसको फिल करना है, इसके साथ जो भी आपके डी ग्रेड या एफ ग्रेड उसको अटैच करना है, अपने HOD या प्रिंसिपल से उसको साइन करवा के डायरेक्टर अकेडमी उनसे अलाउ करवा लेना। जब वो इसको अलाउ कर दें तो आप फी क्लर्क के पास जाके इसका वाउचर बना लें, वाउचर आप सबमिट कर दें बैंक में, और बैंक के बाद आप अपने डिपार्टमेंट में, अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में, मैथ है तो मैथ में, जोलॉजी है तो जोलॉजी में, अपने फोकल पर्सन को ये सबमिट कर दें और आपको जो टीचर है वो अलॉट कर देंगे। और शेड्यूल ये स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा शेड्यूल दिया गया है इसमें, मेरे ख्याल में मैंने आप सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं डिटेल। हाँ, मोर ओवर जो BS के स्टूडेंट्स हैं, जो पहले जिन्होंने समर सेमेस्टर में एनरोल नहीं करवाया, वो आप इनरोल कर सकते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दी है, वो भी इस जो नया है शेड्यूल उसके अकॉर्डिंगली एनरोल कर सकते हैं। ये सारे हैं जो है आपकी प्रोसीजर, मैंने समर सेमेस्टर का आप लोगों से डिस्कस किया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, और नकल में जो भी क्वेश्चंस हम मुझसे पूछे गए थे सबके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।